चारा ब्लॉक मुख्यालय पर सोमवार को ब्लॉक परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम के दौरान 5 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विवाह की पूरी रस्म कराई गई। सामूहिक विवाह के अंतर्गत दाम्पत्य जीवन में बंधने वाले जोड़े में रीनू संग विशाल, राजकुमारी संग कैलाश, वंदना संग देवीलाल, रीनू संग नथू, निशा संग दिनेश का हिंदू रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न हुआ। शादी समारोह में वर वधु व परिवार वालों को मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। सामूहिक विवाह के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी आशीष कुमार के द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन गरीब व असहाय लोगों को लाभान्वित करने के लिए किया जाता है। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी डॉक्टर कंचन सिंह ने वर वधु को आशीर्वाद व उपहार देकर खुशहाल जिंदगी की कामना करते हुए विदा किया। वहीं एडीओ पंचायत अनिल कुमार मालवी व समाज कल्याण राजेश कुमार ने बताया कि शादी समारोह में 5 जोड़ों का मंगलसूत्र, माथे की बिंदी, मोर, स्टील बॉक्स, सुंदर प्रसाधन, सिंदूर सहित चांदी की बिछिया, चांदी की पायल, प्रेशर कुकर, लहंगा, साड़ी व बर्तन आदि देकर विदा किया गया। मुख्य रूप से इस मौके पर सोमनाथ शुक्ला, समाज सेवी रविंद्र मिश्रा, प्रधान संघ अध्यक्ष ब्रिजेश कुमार, बेलसरा प्रधान शिव कुमार पांडे, खंड प्रेरक आशीष मिश्रा, क्षेत्र पंचायत सदस्य रामकृष्ण यादव, जगतपाल आदि सम्मानित लोग उपस्थित रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से राजेश सोनकर की खास रिपोर्ट। ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आपकी शादी आज हुई है, तो आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? तो आने वाले अन्य लोगों को भी आप प्रेरित करें कि इसी तरह ही सामूहिक विवाह योजना के तहत जो है शादी करें? हम आने वाले पीढ़ी से यही प्रार्थना करेंगे कि हर लोग मतलब कि यहाँ आए और शादी करें, हर सब का आशीर्वाद लें। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा जो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कितने जोड़ों का विवाह जो है यहाँ कोंधियारा ब्लॉक परिषद में संपन्न कराया गया? यहाँ 5 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। जो सामूहिक विवाह हुआ है, 5 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। इसमें जोड़े कहाँ कहाँ से थे सर? अब ये तो सामूहिक विवाह है, इसलिए हमको ये नहीं बताया गया, बस लड़की लड़के, बाकी उनका प्रमाण पत्र बना के दिया गया है, वो यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी ब्लॉक से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पंडित विनोद सिंह।